विवाह पंचमी नज़दीक है, यानी भगवान राम और सीता का विवाह, और इसको देखते हुए पूरे जनकपुर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं और जानकी मंदिर में माहौल बिल्कुल से विवाह पंचमी की तरफ मुड़ गया है। खासतौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पक्ष में आया है, उसके बाद से पूरे प्रांगण में आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पर बैठ के मंगल गीत गा रहे हैं, पूजा पाठ जगह जगह टोली बना के। तो ये उत्साह आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ये हम जहाँ मौजूद हैं, मंदिर का ये प्रांगण ही है जहाँ पे अखंड कीर्तन होता है, सकीर्तन। और ये जो सीताराम का धुन, सीताराम सीताराम का जो कीर्तन जो धुन है वो लगातार यहाँ से आपको दिन रात सुनाई देता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि 1961 ईस्वी में इस इलाके में भयंकर अकाल पड़ी थी, और अकाल की वजह से अनाज नहीं पैदा हो रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, किसान खेती नहीं कर पा रहे थे। तो उसको देखते हुए यहाँ के महंत ने ये अखंड कीर्तन की शुरुआत की, जो कि पिछले 58 वर्षों से लगातार जारी है। अलग अलग टोलियाँ हर एक 3 घंटे के लिए यहाँ पर राम सीता का कीर्तन करती हैं, और ये दिन रात चलता है। हम बात करते हैं इसी में से। ये बताइए बाबा, आप बहुत दिनों से हैं यहाँ, और अभी जो फैसला आया है अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पक्ष में, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? राम जय, आनंद मानता है, हर्ष होता है हम लोग। राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता। ये चूंकि धुन टूट नहीं सकती है, इसलिए लगातार इनको बोलना है, एक न एक सीता राम का ये जाप करते रहना है, कीर्तन करते रहना है। हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भगवान की, भगवान जय आनंद बना दल गई से सीताराम। जय जयकार मनाया जा रहा है इनकी तरफ सीताराम। और ये जानकी की धरती जनकपुर धाम, और यहाँ पर जहाँ से जो अयोध्या की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आने के बाद आप महसूस करेंगे कि अयोध्या और जनकपुर में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों जगह उत्साह है, उत्साह तो पूरे देश में है, पूरे भारत में है, और पूरे नेपाल में भी है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, जनकपुर नेपाल।